वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। टुडे वी डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वायरल डिजीज डेंगू। बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉमन डिजीज है ये। आप रेगुलर देखते हैं कि डेंगू का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड वाइज रहता है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो इंडिया में भी है, बहुत से आपकी कंट्री है वहाँ पर भी क्या है, इसका बहुत मेजर आपका इफेक्ट है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे वन बाई वन टॉपिक के बारे में कि डेंगू आखिर में है क्या। तो डेंगू फीवर के कॉमनली नोन एज ब्रेक बोन फीवर इज ए फ्लू लाइक इलनेस कॉज बाय डेंगू वायरस। तो डेंगू जो आपका है या डेंगू फीवर है, ये प्रकार के हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है। और ये मेनली किससे होता है, डेंगू वायरस से होता है। इट इज कॉज व्हेन एडीज मॉस्किटो कैरी द वायरस बाइट ए हेल्दी पर्सन। अब कैसे होता है, एडीज वायरस होते हैं वो, यदि उसके अंदर डेंगू वायरस है, यदि वो कैरियर है, यदि किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो जो डेंगू वायरस है उसके बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। दिस डिजीज इज मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, डेंगू वायरस आपके पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एन एस्टिमेटेड 5 लाख पीपल रिक्वायर हॉस्पिटलाइज एवरी ईयर ईच ईयर। तो हम लोग बात करें कि हर साल की बात करें, नियर बाई एज पर एज वर्ल्ड हेल्थ डाटा देर आर 5 लाख पीपुल रिक्वायर हॉस्पिटलाइज ड्यू टू डेंगू वायरस। मोस्ट केस अकर इन ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड विद द पॉपुलेशन ऑफ इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंटल साउथ ईस्ट एशिया मेक्सिको अफ्रीका पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमरीका मोस्ट सस्टेबल टू द डिजीज। अब देखा जाए ये जो आपका डिजीज है ये मेनली जो पाया गया है आपके साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के साउथ अमेरिका की बात करते हैं, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं लार्जली यहाँ पे आपका होता है। एज पर द डाटा रिलीज बाय द डॉक्टरेट ऑफ द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसको बोलते हैं NVBDCP, ये इस्टीमेट करता है कि देयर हैव बीन 67,000 केस ऑफ डेंगू फीवर एज ऑफ 13 अक्टूबर 2019 इन इंडिया। हम इंडिया की बात करते हैं अप्रॉक्स 67 केस थे, लेकिन 2020 की बात करते हैं तो ये डेटा बढ़कर के आपके आपके हो गए थे 82 के नियर बाई हो गए। तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके जो आपके वेक्टर बॉर्न डिजीज हो रहे हैं वो डे टू डे क्या हो रहे हैं, आपके इनहेंस हो रहे हैं। अभी पॉइंट होता है कॉज ऑफ डेंगू के मेन कॉजेज क्या होते हैं। तो डेंगू इज कॉज ड्यू टू 4 वायरस, नेमली DENV1, 2, 3 एंड 4। तो देर आर 4 वायरसेज दे कॉज डेंगू। द वायरस इंटर ए मॉस्किटो व्हेन इट बाइट एंड ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन एंड द इलनेस इज स्प्रेड व्हेन इट बाइट ए हेल्दी पर्सन एंड द वायरस स्प्रेड थ्रू पर्सन ब्लड स्ट्रीम। अब इसमें देखा जाए हाउ इट कैन बी स्प्रेड। तो यदि कोई भी वायरस यदि कैरियर है, अब वायरस को कैरियर कैसे बोला जाता है, यदि वायरस जो आपका डेंगू वायरस है मॉस्किटो है, यदि कोई आपके इन्फेक्टेड पर्सन से क्या कर रहा है, ब्लड ले रहा है, और वो इन्फेक्टेड पर्सन कैसा है, डेंगू वाला है, यदि उसके पास वो वायरस है, यदि कोई भी मॉस्किटो उसको बाइट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो जो वायरस है वो मॉस्किटो के बॉडी में चला जाएगा। और जब मॉस्किटो दूसरे हेल्दी बॉडी को बाइट करेगा तो क्या करेगा, वायरस क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, मतलब वायरस क्या हो जाएगा उसकी बॉडी में चला जाए। तो देखा जाए ये आपके क्या हो रहे हैं, इसका मतलब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो कैसे होता है बच्चों, ये पर्सन वर्सेस मॉस्किटो होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट सीवी डेंगू फीवर ऑल्सो नोन एज डेंगू हीमोराजिक फीवर इंक्रीज इफ यू आर इन्फेक्टेड ए सेकंड और थर्ड टाइम। लेट कर यदि एक बार डेंगू होगा तो कोई, लेकिन यदि दो या तीसरी बार डेंगू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंगू हीमोराइजिक फीवर बोला जाता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, डेंगू हीमोराइजिक फीवर होता है कब, जब आपको दो से ज्यादा, एक दो तीन बार से ज्यादा क्या हो जाए, आपको इन्फेक्टेड हो जाए। अब इसके मान लिया इन्फेक्शन हो गया तो सिम्टम क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है हाई टेम्परेचर। डेंगू कॉज ए फीवर ऑफ 104 डिग्री फारेनहाइट एलॉन्ग विथ एटलीस्ट 2 ऑफ दीज सिम्टम। इसमें से आपके 2 सिम्टम भी हो सकते हैं या सभी भी हो सकते हैं। पहला हेडक होगा, मसल बोन ज्वाइंट पेन होगा, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग,
पेन बिहाइंड द आई, स्वेल ग्लैंड एंड रैशेज। तो ये देखा जाए आपको फीवर के साथ ये सभी क्या होंगे, आपके सिम्टम हो जाएंगे। तो लेकिन देयर आर थ्री टाइप ऑफ फीवर ए पर्सन आर, अब तीन आपके टाइप के होते हैं। पहला होता है माइल्ड लेगू फीवर। माइल्ड लेगू फीवर में की हम बात करते हैं, सिम्टम आर सीन आफ्टर ए वीक फ्रॉम द बाइट एंड इंक्लूड सीवरी आर फेटल कॉम्प्लिकेशन। माइल्ड में क्या होता है, ये सिम्टम तो नहीं होते, एक वीक के बाद यदि मॉस्किटो बाइट करेगा तो एक वीक के बाद ही क्या होगा, उसका सिम्टम्स होगा। डेंगू हिमोराइजिक फीवर, लेट कर डेंगू हिमोराइजिक फीवर कब होगा, जब एक बार आपको डेंगू हो गया, सही हो गया, लेकिन अगेन या दो से ज़्यादा बार, दो तीन चार बार क्या है टाइम्स जो हो रहे हैं आपको, अगेन यदि डेंगू हो रहा है तो उसको हम लोग क्या होता है, डेंगू हिमोराइजिक फीवर। ये सिम्टम जो होता है आर माइल्ड एंड कैन बट आर ग्रेजुअली वर्स विद इन ए फ्यू डे, माने कुछ ही दिन के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, यदि ये डेंगू लंबे समय तक आपने ध्यान नहीं दिया और लंबे समय तक आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप दिस इज ए सीवरी फॉर्म ऑफ डेंगू एंड कैन इवन कॉज डेथ, यदि आप उसको केयर नहीं करते हैं तो आप डेथ भी हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, देर नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर आर क्योर एज एज डेंगू इज ए वायरस। लेकिन कुछ आपके ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे आपका मेडिकेशन, मेडिकेशन में क्या होते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेन किलर, जैसे ट्रिलेनॉल पैरास्टामॉल ये सब दिया जाता है, जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट को, जिससे फीवर उसका कंट्रोल रहे। या हम उसको क्या करते हैं, आपको यदि उसमें वाटर लॉस हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, आईवी ड्रिप देते हैं, आईवी ड्रिप के थ्रू भी क्या करते हैं, उसको हम लोग सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, इससे हाइड्रेशन, क्योंकि जब फीवर होता है तो हमारी बॉडी से वाटर भी लॉस होते हैं, ओमटीम भी होता है हाई फीवर का। तो देखा जाए दिस इज क्रूशियल एज मोस्ट ऑफ आवर बॉडी बॉडी फ्लूड आर लॉस ड्यूरिंग ओमटिंग एंड हाई फीवर। हाई फीवर और ओमटिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर कंटिन्यू इनटेक ऑफ फ्लूड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लूड आपको रेगुलर आपको लेना पड़ेगा, जिससे हम हाइड्रेशन को क्या कर सके, रोक सके। तीसरा होता है हाइजीन, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन में हम लोग जब कभी भी बात करें, या हम बात करें यदि हम लोग रेगुलर अपने हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, जैसे खाना खाने के पहले भी हो या दिन में भी जब आप कहीं से आप आए तो एक बार हैंड को सेवर वॉश करें, क्योंकि दिस द पर्सनल हाइजीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ डिजीजेज, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके लिए क्या हो सकता है, हम लोग इसको हाइजीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या आपका प्रिवेंशन में बोला जाता है। प्रिवेंशन में आपका मेन यही होता है कि अपने आप को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए एंड आल्सो हाइजीन आवर सराउंडिंग, और अपने सराउंडिंग को भी क्या करिए, आप हाइजीन मेंटेन करके चलिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब लेट करिए, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको आपका मॉस्किटो बाइट करता है लेकिन उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनका कोई माने कोई ऐसा सिम्टम डेवलप नहीं होते, क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ देयर इम्यूनिटी, उनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है डेंगू के प्रति, इसलिए क्या होता है आपको उसका इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इननेट इम्यूनिटी पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर डेंगू वायरस डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि जो हमारे बॉडी जो इननेट इम्यूनिटी पाथवे होता है, यदि डेंगू वायरस बॉडी में जा रहा है उसको डिटेक्ट करके उसको क्या करेगा, लाइसिस करेगा, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देगा। डेंगू वायरस क्लियरेंस बाय नेचुरल किलर सेल एंड स्किन हार्मिंग टी सेल। अब क्या होता है, स्किन होमिंग जो टी सेल होते हैं या नेचुरल किलर टी सेल होते हैं, ये सभी सेल क्या करते हैं, डेंगू वायरस को क्या करते हैं, बाइंड करके उसको माने उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एंटीबॉडी डिपेंडेंट भी होते हैं और एंटीबॉडी और इनडिपेंडेंट मैकेनिक दोनों के थ्रू क्या होता है, जो आपके डेंगू सेल हैं वो क्या होते हैं, आपके किल हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो दोस्तों देखा जाए आपकी यदि इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आपके जो भी आपके इन्फेक्टियस एजेंट है उससे हमारी बॉडी क्या हो सकती है, प्रोटेक्ट हो सकती है। थैंक यू डियर डियर ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे चिकनगुनिया के बारे में, आप इस लेक्चर को पूरे बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू। लेकिन दोस्तों ये वीडियो से और आप लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के कैरियर को अच्छा कर सकता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे से वीडियो बना सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।